तो टी राजा सिंह ने उसका प्रोग्राम होने के बाद उसी के जवाब में कोई वीडियो जारी किया था, जिसके लिए विरोधी एकजुट होकर और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, तीन पार्टी रायपुर का, एक बिलासपुर का, चार पार्टी खाली हो गया और दो पार्टी भिलाई का था। अभी हम भिलाई एक पार्टी के पास हैं, गाड़ी खाली हो रही मेरी, जो दुर्ग का बाईपास है इसमें है। इसके बाद एक पार्टी का माल है छावनी चौक का, भिलाई का, वहाँ भी आज हो ही जाएगा, थोड़ा सा बचा है, इसके बाद चलते हैं भिलाई खाली करते हैं। और आपको यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ एक थोड़ा सा। और अगर दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिखाते हैं, देखिए व्यू यहाँ का कैसा है। और इसके बाद पीओडी लेकर निकलते हैं। दोस्तों, ये दुर्ग बाईपास में शोरूम है, आप लोग देख पा रहे हैं, और मैं शोरूम के अंदर हूँ। यहाँ गाड़ी वगैरह देखो, एक्सीडेंटल गाड़ी है ये सब, क्योंकि इधर वर्क साफ है ना, पीछे की साइड। और दोस्तों, अब निकल रहे हैं यहाँ से, फाइनल हो गया यहाँ का। गेट के बाहर वो सामने हाईवे दिखाई दे रहा, और ये सामने दिख रहा है, यहाँ से हम चढ़ जाएंगे हाईवे पर। इसके बाद में एक शोरूम और है ट्रू वैल्यू का, वो भी मारुति का ही था जो साइड में था। तो हम हाईवे पर चढ़ गए दोस्तों। ये बाईपास थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये साइड का व्यू है। बाईपास से निकलने वाले हैं दोस्तों हम, बाईपास से निकल गए। ये फ्लाईओवर था, और अभी दुर्ग और भिलाई के बीच में है, समझ लीजिए भिलाई में ही आता है ये सब। भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है, लोहे का काम ज़्यादा है इस पार्ट का भिलाई में। और ये टोल टैक्स है जो कि बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों, क्या कारण से, शायद रोड अभी चालू नहीं हुआ है, रोड का काम चल रहा ना, इसके लिए हो सकता अभी टोल टैक्स ना चालू कर। देखिए ड्राइवर्जन है, रोड का काम चल रहा है, इसलिए शायद वो टोल टैक्स जो है अभी बंद है, कंप्लीट होने के बाद हो सकता चालू करें, या कोई और भी वजह हो सकता है। तो दोस्तों, हम मुड़ गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते से। आप लोग ट्रांसपोर्ट के ये नज़ारे देख रहे होंगे, वैसे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है ट्रांसपोर्ट एरिया में, क्योंकि गाड़ी वगैरह सब बहुत खड़ा रहता है, रोड पर ही सब गाड़ी खड़ा रहता है उल्टा पुल्टा, इसलिए दिक्कत भी होता है। अभी देखो सामने ये गाड़ी खड़ा है रोड पर ही, मुझे रुकना पड़ा। तो ऐसा ही है दोस्तों हाल अपने भारत का और अपने भारत के लोगों का। चल रहे हैं, आगे चौक पड़ेगा, वहाँ से लेफ्ट मारेंगे, उसके बाद सीधा आगे चलने के बाद छावनी चौक आ जाएगा, यहीं से लेफ्ट मारते हैं, थोड़ा आगे चल के आ जाएगा छावनी चौक, और वहाँ से फिर राइट मुड़ते ही वो शोरूम है स्पर्श ऑटोमोबाइल्स। पर यहाँ क्या है, धूल मिट्टी बहुत है यार, आप रोड को देख रहे हो ना, वो रोड पर सारा मिट्टी दिख रहा है। यहाँ का रोड साफ नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत मिट्टी है रोड पर। ये धूल मिट्टी देखो कितना उड़ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों यार, यहाँ रोड पर जितना धूल मिट्टी है हमने कहीं नहीं देखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दो दिन से भारत में सियासत बहुत गर्म है, वो भी तेलंगाना हैदराबाद में, क्योंकि गौसामाइल के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कुछ बयान दिया है जो कि लोगों को भड़काऊ लग रहा। और उन्होंने बयान इसलिए दिया, उन्होंने खुद बताया
कि मुनव्वर फारूकी जो कि एक शायर हैं, भारत में कोई भी सरकार अपने राज्य में उसका प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन तेलंगाना की सरकार हैदराबाद में उसका प्रोग्राम करवाया। और उसका प्रोग्राम इसलिए नहीं होता कहीं अब, क्योंकि दोस्तों वो अपने शायरी में वो हिंदू देवी देवताओं पर जोक बनाता है, उन्हें अभद्र भाषा बोलता है, गाली देता है, ये कह लीजिए। तो टी राजा सिंह ने उसका प्रोग्राम होने के बाद उसी के जवाब में कोई वीडियो जारी किया था, जिसके लिए विरोधी एकजुट होकर और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन यार ये विरोधी उस टाइम प्रोटेस्ट नहीं किए या रोके नहीं जब वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। तो दोस्तों ये सब क्या चल रहा है देश में, कुछ समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है, टी राजा सिंह ने जवाब सही दिया या मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम होना सही था? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए हम आप लोगों का राय जानने के लिए ऐसा बोले क्योंकि देश हमारा है, आपका है, इस पर भी नज़र रखना ज़रूरी हो तक देश में चल क्या रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों पहुंच गए हम स्पष्ट ऑटोमोबाइल्स और खाली भी कर लिया है, क्योंकि खाली करने के बाद हमने वीडियो बनाया। पहुंचते ही तुरंत उसको बिल दिया और गाड़ी लगा दिया। ये साइड में हमने गाड़ी खड़ी कर दिया है और अब आज लोडिंग का कोई प्रोग्राम है नहीं, अब देखो कल क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों फाइनली 6 की 6 वो पार्टी खाली हो गया और खाली करके हम खड़े हैं यहाँ भिलाई में आखिरी वाली पार्टी के सामने। और दोस्तों क्योंकि आज टाइम तो निकल गया, लोडिंग आज होना मुश्किल है, अब जो होगा कल ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।